भजन संहिता जबूर 34 अध्याय, और इस वचन को अपने हमेशा अपने घर में रखना, लिखकर रखना। क्या रखना? और मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, इस वचन के साथ अब बहुत ज्यादा आशीष हो जाऊंगी। क्या होंगे आप? अब बहुत ज्यादा इस वचन को पूरा करने से मैंने कहा आप आशीष होंगे, हाँ, एक आप भला अच्छा जीवन जियोगे। आमीन। एक सेकंड, ये हाँ ठीक है। 34:7 यहां पे लिखा, यहोवा के डरवाओं के चारों ओर उसका दूत शामनी किए हुए उनको बचाता है। क्या है? आगे लिखा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या लेता है? और 9 में लिखा, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाओं को किसी बात की घटी नहीं होती। आमेन, हालेलुया। क्या नहीं होती? किसी भी बात की उन्हें घटी नहीं होती, किसी भी चीज की। क्या नहीं होती? किसी भी चीज की। चाहे आज आप पैरालाइज के मरीज क्यों नहीं, हाँ, परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जो मुर्दों को भी क्या कर सकता है, तो लंगड़े को चला नहीं सकता, अंधे को दिखा नहीं सकता, हाँ, बोला सुन नहीं सकता, वो क्या नहीं कर सकता? प्रवचन को पूरा करने से। हाँ, फिर से पढ़ता हूं मैं। लिखा, यहोवा के डरवाओं को चारों, यहोवा के डरवाओं को चारों और उसका दूत शामनी किए हुए उसको उनको बचाता है। क्या करता है? जो डरवाओं को, मतलब पंजाबी में कैसे लिखा है, डरने वाले, हाँ, यहोवा दे उसने दूत सारे डरने वाले, तो जो डरते हैं, हाँ, जैसे स्कूल में डर होता है ना, स्कूल 9 बजे, अगर उसका टाइम 9 बजे या 8:30 या 8 बजे होता है ना स्कूल का टाइम, कुछ लोग, कुछ स्कूल 9 बजे शुरू होते हैं, 8:30 भी और 8 बजे भी लगते हैं, तो बच्चों के अंदर डर होता है। समझ आ रही है? आज से इस वचन के साथ खुदा की ग्रेस आपके ऊपर बढ़ेगी और आप बढ़ोगे। मैंने कहा बढ़ोगे, और जितने लोग इस वचन को पूरा करेंगे और अपने हृदय में रखेंगे, मैं सच्ची कहता हूं वो बहुत लोग आगे जाएंगे और वो आशीषित होंगे। लिखा, यहोवा दे डरने वाले तेरे उदा दूत की करते हैं शामनी चारों ओर, मतलब शामनी मतलब उन्होंने बचांदा है। क्या करता है? उन्होंने बचांदा है हर विपत्ति तो, दुख तो, हालात तो, आने वाली मुसीबत से, वो हर चीज से बचाता है। कहता परख कर देखो, परख कर मतलब करके देखो, क्योंकि डर नहीं है ना अंदर, इसीलिए 11 बजे कुछ लोग 12 बजे भी आ रहे हैं। क्या रहे? 11 बजे भी और 12 बजे भी। और लिखा, यहोवा के डरने वाले तो उदा दूत। आज मैं किसी के लिए, सुनो, आज मैं जो सुबह प्रेयर कर रहा था, तुम्हें किसी फैमिली के लिए स्पेशली, आपको पता मैं आप सबके लिए प्रेयर करता हूं, आपको नहीं पता पर मैं आपको बताता हूं। तो आज मैं किसी फैमिली के लिए स्पेशली प्रेयर कर रहा था, क्योंकि उस फैमिली को एक नेगेटिव पावर परमेश्वर की प्रेम में चीजों में बढ़ने से वो रोक रही है। क्या कर रही है वो? वो रोक रही है, रोक रही है। पर मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मैंने एंजल की उस सामर्थ को मांगा, एंजल, समझ आ रही है? तो मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर उस घर में तेरे एंजल जाए और अंधकार की शक्तियों को जो ये काम कर रही है अभी क्या करें। और मुझे विश्वास है अगर मैंने प्रेयर की और वो व्यर्थ नहीं है। क्या नहीं है? वो व्यर्थ नहीं है, और ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। क्या हो चुका है? ऐसा हो चुका है। कहता परख कर देखो यहोवा भला है। आपने किया नहीं ना कभी, ऐसे करके नहीं देखा। सच में परमेश्वर आशीष देता है, हाँ, छुटकारा देता है, हमें ब्लेस करता है।
और नौ में लिखा यहोवा के पवित्र लोगों लोगों उसका भय मानो, क्या करो, क्या ही धन्य में पुरचो उसकी शरण लेता है ना। हे यहोवा पुत्र के लोगों उसको भय मानो और उसके डरवाओं को किसी बात की घटी, किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, जो उसका डर रखते हैं उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हमें करते हो विश्वास, करते हो, कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन को। अब सपने अपने घर में लिख कर रखना अपनी दीवार में, मैं भी रखूंगा। मैं तो वैसे ही पहले ही डरता हूं। मैं एक चीज आपको बताता हूं, मैंने परमेश्वर के कुछ, मैं देनदार हूं और मैंने कुछ देना है और मैंने रखा है कुछ। वैसे ऐसे मैं जहां पे मैंने जो अपना मैं दुश्मांस अपना बेस निकालता हूं, क्या निकालता हूं, बस मैंने जिस जो मैंने अलग से मैंने पर्स लगाया है परमेश्वर के आदर के लिए, समझ रही हूं? तो मैंने सिर्फ उसमें डाला नहीं, अलग है। तो पर मैं हमेशा ही जब इधर उधर जाता हूं तो मैं हमेशा ऐसे डर सा रखता हूं कि कहीं उससे मैं खर्च ना लूं। देख लो क्या ना कर लू, मैं डर रखता हूं कि उसको मैं कहीं खर्च ना लूं। आज भी मैं प्रेयर कर रहा था प्रभु, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर आज्ञाओं का और नियमों का परमेश्वर है। लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, मेरे रास्ते खोले, मेरे मार्गों को सीधा करे, मुझे ब्लेस करे, मुझे डिलीवर करे, पर परमेश्वर नियम का। और मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर माफ करना, कहीं अगर मैंने रखा नहीं है मगर रखा है, कहीं ऐसा ना हो आज तेरा स्पिरिट तेरा आत्मा मेरे साथ ना हो। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को तोड़ते हो तो होली स्पिरिट आपके साथ नहीं होता, पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। अगर परमेश्वर उसका आत्मा हमारे साथ नहीं है तो कुछ नहीं, बोलो क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है। और खाली बर्तन से क्या आती है, पर कितने लोग हैं जिन चीजों से बाहर है, क्या है, कितने लोग हैं जो इन चीजों से बाहर अपना जीवन जी रहे हैं, इसीलिए वो इतने आशीष नहीं। क्योंकि परमेश्वर लिखा सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं। हाँ, तो डरने वाले आंदे धूप छाम नहीं करता है कोई चीज आपको, हालात, कोई बीमारी, कोई छू सकती है आपको, बताओ मुझे, वचन को पूरा करके देखो, कोई चीज आपको छू नहीं। कहता यहोवा के डरवाओं को किसी बात की घटी नहीं होगी, क्या नहीं होगी। और मैंने बस सिर्फ उस पर्स में डाला रखा, और मैं कुछ दिन जैसे पता नहीं टाइम नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बस। हाँ, तो मैं आज भी जब प्रेयर कर रहा था तो मैंने कहा, क्योंकि मुझे डर रहता है कहीं आत्मा मुझसे अलग ना हो जाए। आपको पता है इतना मैं चलता हूं कि आत्मा कहीं मेरे साथ ना हो, क्या ना होगा, क्योंकि अगर आत्मा मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आत्मा परमेश्वर मेरे साथ, उसका आत्मा मेरे साथ है तो यहाँ पे बहुत कुछ। इसीलिए अगर परमेश्वर उसका आत्मा मेरे साथ है तो यहाँ पे ग्रेस है कि नहीं है, बोले है कि नहीं है। पर कुछ लोग उसकी ग्रेस को समझते नहीं, उसके प्रेम को नहीं समझते। इसलिए मैं ये स्कूल की उदाहरण मैंने क्यों सिखाया आपको आज, क्योंकि सब बच्चे प्रेयर में शामिल होते हैं और उन्हें पता है, सब बच्चे प्रेयर में शामिल होते हैं सब, पर कितने लोग हैं जो प्रेयर में आते नहीं। और परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, उसने कहा जब दो या तीन होते मैं मसूद हूं। आपसे कौन ज्यादा वफादार है, कौन है? परमेश्वर को आशीष नहीं चाहिए, उसने उस आपको देनी है, तो जिसने देनी है वो मौजूद है और जिसने लेनी है वो। अब लोग कह रहे हैं ये मसला हमारा, वो मसला जी, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं काम हो रहा, तो कैसे होंगे भाई। अपने आप को सिद्ध करो, क्या करो, अपने आप को सिद्ध करो, सिद्ध करो, बोलो। आपके काम सोते सोते सपने में आएगा दूत और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ऐसे भी होगा, करके देखो। उसने कहा परख कर दे, हाँ, समझे हो। तो सब बच्चे प्रेयर में शामिल होते हैं, स्कूल में प्रेयर होती है ना, होती है ना प्रेयर, जो लोग जो पढ़े हैं। उसके बाद
प्रेयर के बाद क्या होती है भला, जैसे क्या बोलते हैं पीटी, हाँ करते हैं ना ऐसे, करते हैं ना बच्चे, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए ये चीजें करते हैं ताकि बच्चे एक्टिव हो जाए, क्या हो जाए, और हम सुस्त, अगर हम सुस्त हैं, समझे, सुस्त नहीं रहना, एक्टिव होना, एक्टिव। अगर परमेश्वर आपकी आशीष के लिए मेरे मुंह से आमीन बोल रहा, ऐसे नहीं, आमीन, हाँ ऐसे नहीं, आमीन, हाँ कैसे बात नहीं आ रही, आमीन, एक्टिव हो, एक्टिव, बोलो क्यों, एक्टिव हो जाए ऐसे, समझ रहे हैं, इतनी फुर्ती होनी चाहिए आपके अंदर, ढीले ढूले लोग नहीं, समझ आ रही है, ऐसे बनो, देखो परमेश्वर आपको कैसे चमकाता है, आमेन।